चालू। हेलो। चालू। राजकुमार जी, कैसे मैं मानूंगा कि चालू है कि क्या है कि कुछ? अच्छा, ये तो बड़ी देर हो गई। कई मिनट बोलूं? वहाँ पे चालू हो गई, वहाँ पे देख रहे हैं। दुर्गति हो गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो मेरे गुरु जी भी रहे हैं, के निधनोपरांत श्रद्धांजलि सभा की इस कड़ी में मैं कुछ संस्मरणों को सुनाकर अपने को धन्य करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि जो मेरा हार्दिक उद्गार होगा वही मेरे गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी एक परंपरा के अद्वितीय मनीषी थे। और मेरी समझ में उनके पार्थिव शरीर के चले जाने के बाद भी वो आज भी विद्यमान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब परधाम स्वधाम जाने लगे तो उनके वांग्मयी मूर्ति के रूप में श्रीमद् भागवत प्रस्तुत हुआ और कहा भी गया है, तेने यं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। उसी तरह मैं समझता हूं कि उनकी जो कृतियां हैं अद्वितीय कृतियां, मैं समझता हूं कि इस शताब्दी में इस तरह का अद्भुत कार्य करने वाले वे अद्वितीय आचार्य थे। उनकी जो कृतियां हैं वही उनकी वांग्मयी मूर्ति है। तो उनका पार्थिव शरीर हम लोगों के सामने से भले उठ गया हो लेकिन उनकी वांग्मयी मूर्ति यावत चंद्र दिवाकर हम अध्येताओं के बीच में रहेगी और वही हमें उपदिष्ट किया करेगी, उसी से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। वे युग पुरुष थे और उन्होंने जो काम किया उस कार्य का प्रकाश हम सभी लोगों को आलोकित करता रहेगा। मैं अपने गुरु जी को किन शब्दों में प्रणाम करूं? एक मेरा बहुत पहले का श्लोक है, ध्वनि मार्ग मपाकृत्य ये नालं ग्रहम अस्वीकृतम। ध्यान से सुने, ध्वनि मार्ग मपाकृत्य ये नालं ग्रहम अस्वीकृतम तमहं सनातनं वंदे रेवो पाहवं परम गुरुम। गुरवः सनातनाः यत्र साहित्यं तत्र शोभते एभिः साहित्य पंथानो अवश्यं धवलीकृताः। मैं उनको जितना नजदीक से जानता हूं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व और
उनकी भावना को जितना मैं जानता हूं, क्योंकि उतना शायद अन्य लोग जानते हों, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं और गुरु का चैतन्य तत्व ही शिष्य में संक्रांत हो जाता है। मेरी समझ में केवल वो साहित्य शास्त्र के विद्वान नहीं थे, साहित्य शास्त्र का ज्ञान तो उनमें अंगी रूप में विद्यमान था, लेकिन अंग रूपेण सारे शास्त्रों का उन्होंने मंथन किया था और इसका मैंने अनुभव किया है। साहित्य शास्त्र और संस्कृत भाषा यूं तो कहें कि व्याकरण का प्रक्रियांश उनको जितना तैयार था अन्य लोगों को नहीं, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी भाषा में जैसे नए नए प्रयोग, नई नई क्रियाएं, क्योंकि व्याकरणाचार्य लोग भी वैसी क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो और वो परंपरा के विद्वान थे। उनके गुरु जी थे पंडित महादेव शास्त्री जी और हम लोग उनके शिष्य हैं। एक साहित्यालंकार नामक ग्रंथ जो उनका है और ध्वन्यालोक का जो उन्होंने मूल संपादन किया है, उसमें अपने गुरु जी के लिए एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक से ही समझ में आ जाएगा कि वो कितने महान व्यक्ति थे। उस श्लोक को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। भट्टो जी दीक्षितानाम अपरमिव पपुर व्याकृतौ। भट्टो जी गुरु जी पंडित महादेव शास्त्री जी कैसे थे, उनकी विद्या कितनी प्रगाढ़ थी, इसके बारे में सनातन जी लिख रहे हैं, जो अन्यूनानतिरिक्त बोलने वाले व्यक्ति और मिथ्या प्रशंसा से दूर रहने वाले मेरे द्विवेदी गुरुजी, उन्होंने लिखा अपने गुरुजी के बारे में। भट्टो जी दीक्षितानाम अपरमिव बपुर व्याकृतौ, भव्य नव्य न्याय गंगेश विप्सा गम निगम सुरोद्यान के पारिजातः, काश्याम विश्वेश्वरो यो भवति कविपति ही श्री महादेव शास्त्री पांडेय तत्स्मृतौ में कृतिर्यमुपदाम संहितिं पोपुषीतात्। ये कुछ मेरा दुर्भाग्य रहा कि वे मेरे गुरु जी थे, पर मेरी उनकी व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ी दूरी बनी रहती थी। अब उसमें क्या कारण था इसको मैं भी नहीं बता सकता और समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन परमार्थतः वे मेरे हृदय में आज भी विद्यमान है। जो कुछ भी मैं सीखा हूं और बोलने की जो कुछ भी क्षमता है, मैंने उन्हीं से प्राप्त की है। उनका पढ़ाने का क्रम, शास्त्रों में उनकी गंभीर पैठ, काव्य प्रकाश पढ़ाने की उनकी शैली कुछ अद्भुत थी। वो वाक्यों को तोड़ तोड़ करके जब रख देते थे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, विद्यार्थी को स्वयं में समझ में आ जाता था। और कुछ आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये दूर यंत्र के व्यक्ति में गड़बड़ी हो जाने से कुछ दिल छूट गया और मैं कुछ उनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मेरी उनकी भेंट 1979 में हुई, अक्टूबर महीने में गोयनका विद्यालय में, मुरली मनोहर जोशी जी आए हुए थे और 1979 में के नवंबर महीने में मैं उनके घर पर गया प्रथम बार, और मेरा उन्होंने
नामांकन कर लिया अपने साहित्य विभाग में। पहले मैं गोयनका विद्यालय में पढ़ता था। इसके बाद में उन्होंने कुछ हमारे लिए जो कुछ किया उसमें एक एक उपकार भी हमारे अनंतानंत वर्षों तक स्मरण करने के योग्य है। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। और वो इतना अपने शिष्यों के प्रति सजग रहते थे। समय नहीं है, मैं कुछ अधिक कहना चाह रहा हूं लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। एक अपना उनका शिष्य अगर थोड़ा कहीं भी अशुद्धि कर दे बोलने में तो लगता था कि उनको कांटे चुभ गए और वो सह नहीं पाते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं। इतना स्नेह कि जहां कहीं भी किसी विद्वान के सामने भेंट होती थी तो कहते ए चतुर्वेदी जी हैं, ये हमारे शिष्य हैं और योग्य हैं। ये सब कहते थे। इन सब बातों को मैं अब कैसे उठाऊं। मेरी उनकी भेंट 5/1/16 को हुई है। मालवीय भवन में हम लोग मिले और गुरुजी ने कहा कि आपके लिए मैं किताब रखा हूं और आप घर पर आइए, आपको मैं किताब देना चाहता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं घर पर गया और उन्होंने साहित्यालंकार मुझे दिया। इसी साहित्यालंकार को लेकर मैं कुछ आप लोगों के सामने रखूंगा उनके व्यक्तित्व को। और उस पर लिखा इन्होंने, साहित्य विद्या पार दृष्टभ्यो डॉक्टर श्रीमद उमाकांत चतुर्वेदेभ्यः विमर्शाय समादरेण प्रदीयते रचनेयम्। मैं समझता हूं कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए उनके हृदय में इतना स्नेह होना। और बार बार विद्यार्थियों से कहा करते थे कि व्यक्ति विवेक जाकर पढ़ो, वही पढ़ा सकता है। बहुत बहुत बातें तो उसमें अपनी प्रशंसा है, इसलिए उन सब बातों को मैं छोड़ रहा हूं। उनकी जितनी भी संपादित पुस्तकें हैं या चाहे मौलिक रचनाएं हैं, उसके पीठ पर लिखा है महामहोपाध्याय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां, और उस पर सारी कृतियों का उल्लेख है। ये किसी को अगोचर नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है। अब कृतियों के माध्यम से यदि हम उनके व्यक्तित्व की ओर विचार करें तो उनके 3 महाकाव्य हैं। उत्तर सीता चरितम, जो पहले सीता चरितम के नाम से ख्यात था, और दूसरा स्वातंत्र्य संभवम और कुमार विजयम। तीनों महाकाव्यों को लिखने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहा है। ये ग्रंथ यूं ही नहीं लिख दिए गए। उत्तर सीता चरितम की बात की जाए तो सीता का चरित्र शब्द के रूप में, वांग्मय के रूप में सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में आता है। वाल्मीकि जी ने लिखा सीतायाश्चरितम महत। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवत कृष्ण का चरित्र है, उसी तरह वाल्मीकि प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधानः। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण चरित्र है, उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में सीता चरित्र है। वाल्मीकि जी स्वयं लिखते हैं सीतायाश्चरितम महत्। अमांतरवर्ती प्रसिद्ध महाकवियों ने जैसे
महाकवि कालिदास और भवभूति हमारे कविवर की दृष्टि में, हमारे गुरुदेव की दृष्टि में कृपणता कर दी है लोगों ने, नारी के प्रति विशेषतः सीता के प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए, जो उदारता होनी चाहिए, उस उदारता को व्यक्त करने में इन दोनों महाकवियों ने दरिद्रता निभाई। आप बतलावे, ये सनातन जी का कथन मैं कर रहा हूं, मैं अपना और उनके विचार से मैं सहमत हूं, और इन पंक्तियों को मैं उद्धृत इसलिए कर रहा हूं कि वे कितने निरक्षीर विवेकी थे और सत्य को मंच पर रखने में कितने निडर व्यक्ति थे। उसी निडरता और महाकवि कालिदास और भवभूति के प्रति जो सीता के प्रति अन्याय करने के कारण आक्रोश है, उस आक्रोश के रूप में सीता चरितम किंवा उत्तर सीता चरितम आक्रोश के रूप में फूटा हुआ महाकवि काव्य है। एक तरफ वाल्मीकि लिखते हैं, चरणे नाप सव्ये न स्पृशेयम निशाचरम, रावणम किं पुनरहम कामयेयम निशाचरम, अनादेशात्तु रामस्य तपसश्चानुशीलनात् नत्वाङ्कुरमिदशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। जो सीता इतनी तेजस्विनी है, स्वयं कुंभकर्ण को भी जब जगाया जाता है तो कहता है आश्चर्य में कि सीता को, जगत जननी पराम्बा को रावण ने यहां ला दिया लंका में, तब कैसे उनका कल्याण संभव है। यानी मनुष्य लोक और राक्षस लोक किंवा सर्वत्र सीता के प्रति जहां इतनी पवित्र धारणा है, उनका अग्नि परीक्षण कराया जाना और उन्हें अयोध्या आने के बाद भी सामान्य जनता के आलोचना पर वन में भेज दिया जाना, ये सीता के माध्यम से नारी जीवन का बहुत बड़ा अपमान है। इतने बड़े बड़े महाकवियों ने भी उस अपमान को धोने का प्रयत्न नहीं किया। इसी आक्रोश में आकर छात्रावस्था में ही गुरुदेव सनातन जी ने सीता के चरित्र को व्याख्यायित करने की कोशिश की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नारी जो इस पृथ्वी पर या संपूर्ण सृष्टि में आधारभूता है, पृथ्वी स्वरूपा है, उस नारी के प्रति इतना अन्याय होना और उस अन्याय का बर्दाश्त नहीं किया जाना, आचार्य महाकवि सनातन के व्यक्तित्व में अमा नहीं सका, समाहित नहीं हो सका, और उन्होंने सीता चरितम को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उत्तर रामचरितम में भवभूति प्रच्छन्न रूप से सीता को आगे ले जाते हैं। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरहद्यथेव वन में जानकी। इसी तरह रघुवंश में भी प्रजावती दोह आदि आदि, लेकिन सनातन कवि ने सीता से, सीता को भेजवाया नहीं वन में, सीता को भेजवाया नहीं वन में, उन्होंने कहा कि नारी महाशक्ति होती है, वह स्वयं सभी को प्रणाम करके और कह करके जाती है, गर्भावस्था में जाती है, और कितने दृढ़ हृदया है, वन में प्रसव करती हैं, और इसके बाद में वाल्मीकि के संपर्क में आती है। उस चरित्र को, उसमें कुछ कल्पना भी है, उस चरित्र को सनातन ने अपने काव्य में जो स्थान दिया, यह निश्चित ही भारतीय आर्य ललना के प्रति महाकवि सनातन की ऊंची भावना, पवित्र भावना को उजागर करता है। साब्रवीत
प्रहित सुनिए सीता चरितम का। साब्रवीत प्रतिहते न चक्षुषा सर्वथा स्वतमसात्रमानुषः वीक्षते पर परिस्थितिं परम वीक्षते न परधर्म दर्शने विश्वसेद अथवा विश्वसेद अथ न वापि विश्वसेद लोक एष विदुषे ततोपि ततो नभिः सप्रमाणयति कृत्य दर्शने संभवेन्न सुजनेन्यनीयता। इस प्रकार हम महाकवि की पवित्र भावना और उत्कट व्यक्तित्व और नीरक्षीर विवेकिता पर विचार करें तो संपूर्ण सीता चरित्र, मैं तो ये कहता हूं जब चर्चा होती है तो आचार्य द्विवेदी के महाकवित्व को सिद्ध करने के लिए एक सीता चरितम ही पर्याप्त है। स्वातंत्र संभवम और कुमार विजयम को तो अलग रख दीजिए। अगर वो केवल एक उत्तर सीता चरितम भी लिखे लिख कर रह गए होते तो आचार्य श्री के व्यक्तित्व को और उनके महाकवित्व को मूल्यांकित करने के लिए ये पर्याप्त महाकाव्य था। ये मम्मट की शिकायत करते थे और शिकायत कारण थे दो। ध्वनि की बात छोड़ दें, ध्वनि के लिए तो आनंद वर्धन को दोषी सिद्ध करते थे, हालांकि मेरी उतनी पहुंच नहीं है किसका मत क्या है। हम तो सभी आचार्यों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसा विद्वान अगर कुछ कहता है तो दुराग्रह रहित होकर मनीषियों को विचार करना चाहिए कि इतना महान चिंतनशील व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो उसमें जरूर कोई न कोई तत्व है। मैं इनकी कृतियों को अनेकशः पढ़ा हूं और लगता है कि जरूर कोई न कोई मौलिक बात है। मम्मट जैसा विद्वान, जिसकी या से तो हिमाचल काव्य प्रकाश की महती प्रतिष्ठा है, उनके उदाहरण श्लोकों पर गुरुदेव बहुत नाराज होते थे। कहते थे कि ये बीभत्स है, बच्चों को पढ़ने लायक नहीं है। सही बात है उस पर। अब ऐसे ऐसे श्लोक इतने बड़े आचार्य और ऐसे ऐसे श्लोकों को ही देना। हालांकि मम्मट के भक्त लोग इसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो तर्क था, उनका जो आक्षेप था। एक बार मैं पूज्य गुरुजी पंडित केदारनाथ ओझा जी से रसगंगाधर और मुक्तावली पढ़ रहा था, यद्यपि वैचारिक विभेद था दोनों आचार्यों में, लेकिन उतना प्रखर शास्त्रार्थी विद्वान आचार्य ओझा जी ने कहा कि आपके गुरुजी रेवा प्रसाद जी को लिखने आता है, और ये बात मैं 82-83 कर रहा हूं। आचार्य द्विवेदी की लेखनी शास्त्रीय लेखनी होती है। इनकी लेखनी से, इनकी जो भाषा है उस भाषा में लगता है कि शास्त्र बोल रहा है, उपनिषद की भाषा है। और कविता, कविता में ईमानदारी है। नाट्य शास्त्र की जब ये व्याख्या करने चलते हैं तो उस अंश को हमसे उन्होंने बताया भी था कि मैंने संगीतांश को या नाट जो नृत्य वो क्या कहते हैं जो संगीत वाला भाग है उसको हमने छोड़ दिया। हमने कहा गुरुजी क्यों छोड़ दिया? कहा कि वो मुझे नहीं आता। और अपने साहित्य अलंकार में भी उन्होंने बड़ी बेबाकी के, बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को कहा है कि हमको जितना क्या भाषा है, कितनी करुणा है, कितनी उदारता है,
जब कोई पढ़े तब न समझ में आवे। और ये श्रृंगार प्रकाश और रघुवंशम पर जो काम है, इनके कार्य के पूर्व साहित्य अकादमी से ही वी राघवन ने, डॉक्टर राघवन ने काम किया था। उसको कहते हैं कि लगता है कि हमारा अवतार इसलिए है कि राघवन का जो अपूर्ण कार्य था उसको पूर्ण करने के लिए वाग देवता ने मुझे इस धरातल पर भेजा था। क्या बात है, लिखते हैं साहित्य अकादमी कालिदास संपादनाध्वरे राघवाचार्य कार्यस्य पूर्तिं यत् कृतवान हम तथैव सरस्वत्या। भाषा देखिए, मुझे दो आचार्यों की भाषाएं उपनिषद सी लगती हैं। एक आनंद वर्धन की कारिकाओं को पढ़ने लगिए, उसमें भी प्रथम उद्योत की कारिकाएं और चतुर्थ उद्योत की कारिकाएं, तो लगता है कि उपनिषद बह रही है। और दूसरे अपने गुरुदेव आचार्य रेवा प्रसाद जी की भाषा, चाहे वह काव्यालंकार कारिका हो चाहे साहित्यालंकार की उनकी कारिकाएं हो, पढ़ते समय लगता है कि स्वयं छंद मूर्तिमान स्वरूप धारण करके उपस्थित हो गया। देखिए तथैव सरस्वत्या राघवस्याध्वरांतरे अहमेव नियुक्तोऽस्मि लंबिताद्भुत सहायकः। इस तरह उन्होंने और अपना परिचय, जैसा कि महाकवि कालिदास आदि लोगों के जीवन वगैरह के बारे में और विसंवाद फैल गया, लेकिन सुस्पष्ट है उन्होंने कितना कार्य किया कितना कार्य नहीं किया, क्या व्यक्तित्व है। देखिए लिखते हैं महाकाव्यत्रयी कर्ता शिवाण्या समलंकृतः सहस्राणि नवश्लोकान् निर्मायाद्यतने युगे साहित्य शास्त्र सदगात्रे मेरुदंडोत्तमायितः आंग्ल्या वाचापि तत्सारं प्रकाशय्य कृतध्यः। और अपने गुरु का वो स्मरण बार बार किया करते हैं, जैसे हमने ध्वन्यालोक के संपादन में उन्होंने अपने गुरु जी को जो महत्व दिया। और यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, काश्याम महादेव बुधेन्द्र वर्य महे महेश्वराचार्य वरस्य शिष्यः। काश्याम महादेव बुधेन्द्र वर्य महेश्वराचार्य वरस्य शिष्यः रेवा प्रसादोऽस्मि शरद्वयेन संपाद्य श्रृंगार मिमं प्रसन्नः। वस्तुतः उन्होंने जो दो कार्य अंत में किए, श्रृंगार प्रकाश का उद्धार और नाट्य शास्त्र पर टीका, इससे वो अपनी कृतकृत्यता महसूस करने लगे थे। यूं तो उन्होंने कालिदास को भी बहुत अच्छी तरह से आलोडित किया, उनका बहुत उद्धार किया, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें स्वयं ये बार बार अनेक स्थलों पर इन्होंने किया है कि श्रृंगार प्रकाश और नाट्य शास्त्र के उन अंशों को छोड़कर जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, हमने जो पूर्ण किया, वाग देवता ने मानो हमें इस पृथ्वी पर इसी कार्य के लिए भेजा था। और बहुत महत्व दिया श्रृंगार प्रकाश को, काव्य प्रकाशो यदि वा प्रकाशो भावे रसो वेति विभावनायाम प्रकाश श्रृंगार मिमं स्तुवानो भोजोपि नूनं परमार एव। एक नई बात उन्होंने कही, और सब तो जैसे उन्होंने चार धामों की स्थापना और क्रांति वगैरह क्या क्या बहुत कुछ, अब तो हम थोड़ा सा शुरू में ही डिस्टर्ब हो गए, यंत्र नहीं रहा तो कहने की बहुत बातें थी, लेकिन स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने कारण कह नहीं पा रहा हूं। माया रस, इन्होंने कहा कि यदि ब्रह्म रस है
तो माया रस भी माना जाए, और अन्य आचार्यों ने जो रसों की परिकल्पना की है वह सब माया रस ही है। और इसकी युक्ति देखिए, बहुत ये शोध का विषय है, इसको दृष्टि दी है आचार्य श्री ने। यदि ब्रह्म रस शुद्ध काव्याद व्यक्तिम भजत यथो माया रसोपि सम्मिश्र रस काव्ये भिमन्यताम। इसके क्या स्थाई इसका भाव हो सकता है, माया रसस्य भावस्तु स्थाई मिथ्या मतिर्मता बा विभावा भुक्ति भोगाद्याः अनुभावा सुतादयः हर्ष गर्व मदाद्याः स्युः मायायां व्यभिचारिणः मिथ्या मति परिपोषो माया रस इतिष्यते। बहुत बातें हैं जिसको कभी, और मैं इसके लिए राजकुमार जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता था, कुछ व्यतिक्रम हो गया। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसा उपक्रम रचा है कि जो आवश्यक था सनातन महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, एक एक महीने का इन्होंने चलाया। इसमें मैं समझता हूँ कि महनीय विद्वानों के प्रवचन हुए होंगे, उसमें इन्होंने हमको भी लपेट कर कृतकृत्य किया। इनके ऊपर एक व्याख्यान माला चलाई जाए और कम से कम दो तीन प्रवचन कराए जाए, तो इनकी बातों को जितना मेरे दिल में है, मैं तो समझता हूँ कि आधा घंटा लग गया था इधर उधर, मैं अब जम नहीं पा रहा हूँ, मुझे कहना बहुत कुछ था। तो आचार्य श्री से जब मेरी बात होती थी, एक बार उन्होंने हमसे पूछा कि काव्य शास्त्र में सबसे पहले वर्णन किस चीज का होना चाहिए, तो दोषों का वर्णन होना चाहिए। ये दोषाभाव और गुण को अत्यावश्यक मानते थे, ये उतना रस को महत्व नहीं दिए जितना इन्होंने दोषाभाव और गुण को महत्व दिया। और तो दोष को सबसे पहले वर्णित करना चाहिए, ये इनका करना था, क्योंकि दोष से रहित वाक्य ही काव्य के योग्य हो सकता है। और जो इन्होंने अलंग ब्रह्म की स्थापना की है काव्य जगत में, इससे सभी लोगों को घुटन होती है, लेकिन इस पर विचार किया जाए ये बड़ी ही गंभीर बात है और नवीन उद्भावना है। इसीलिए एक एक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य के रूप में मान्य है। उसकी चर्चा मैं आज करूंगा तो न इधर का होगा न उधर का होगा, उसमें बहुत सारी बातें हैं, मेरा शोध प्रबंध पत्र भी उस पर है। कविता के बारे में इनकी जो धारणा है, ये जैसा लिखते हैं वो अद्भुत है। कविता दर्शनम करके एक शीर्षक है, इसमें लिखते हैं काव्यं वाक् वाक् परं ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मी सरस्वती सावीणा धारिणी साही नीलकंठा सना शिवा शिवो ब्रह्म शिवा ब्राह्मी तौ चते च शिवा शिवौ। देखिए वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बिंदु और नाद और बिंदु, शिव और शिवा का जो अर्धनारीश्वर रूप है, उसको इन्होंने किस रूप से अपने काव्य में पदे पदे स्थापित किया है, ये विचार किया जाए तो शैव दर्शन इनके कृतियों में पदे पदे परिलक्षित होता है। और भरत के प्रति भी इनका बहुत बड़ा भाव है,
उसको मैं छोड़ रहा हूं। उनकी किताबों में मैंने लगाया था चिन्ह कि ये बातों पर बोलूंगा। अब नाट्य शास्त्र में इन्होंने कहा कि जितना मैं जानता हूं उतना मैं लिख रहा हूं, उसके अधिक का ज्ञान मुझे नहीं। मैं समझता हूं कि इतना स्पष्ट अगर विद्वान कहने लगे, अध्यापक छात्र के सामने ये कहने लगे कि मुझे इतना ही आता है, छात्र अपने मन की बात अपनी अज्ञानता को अध्यापक के सामने स्पष्ट रूप से रखने लगे तो उसे जितना ज्ञान होगा। आचार्य द्विवेदी जी अध्यापक के रूप में यही छात्रों से चाहते थे और वह चाहते थे कि जाए व पत्य उसती सुभाषा की तरह छात्र अपने आप को हमारे सामने खोले और जो कहूं उसको समझे। सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी क्यों सनातन हैं? इनके काव्य में कहीं भी अनौचित्य नहीं है, इनके काव्य में कहीं भी अन्य कवियों की तरह श्रृंगारिक वर्णन मर्यादा को अतिक्रांत नहीं कर रहा है। ये कविता को उपासना की देवी मानते हैं, एक कविता को साक्षात वाग देवता का विग्रह मानते हैं। कुछ इनकी कविताएं चूंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और प्रायः याद सा भी हो गया है मुझे, फिर भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। कविता, कविता क्या है, कविता का क्या स्वरूप है? कविता मणिपंजरे चिदाख्ये विधृता कापिशुकी हिरण्यवर्णा अनुवाद कला विचक्षणाया रटति स्वैरमहूरः कथाम्नः। कविता शितिकंठ कंठ कूपा नलदाह प्रशमाय संप्रवृत्ता। आह क्या बात, कविता शितिकंठ कंठ कूपानल दाह प्रशमाय संप्रवृत्ता अभिमुक्त किशोर भाव लेखा प्रतिपत चंद्र कला रसैक मूर्ति विहितं सहकार मंजरी भी मृदु तल्पं चिति चंचरीक पत्न्यै कवितेति निरुच्यते प्रसन्नै वचसाम नृत्य विधौ स्वतः प्रवृत्ते। कविता कविता सकर्पद ईश्वरीयो विधुना लांछित विग्रहान तुयस्मात् विग्रहात् तुयस्मात् प्रभवत्यमरापगा त्रिलोक्याः परमं मंगल मय्यैव गौरी मंगल मम्मैव गौरी। कविता वलयान यक्ष पत्न्याः परिसिंजन्ति विनीयते तराम यही अहरत्य प्रमत्त चित्त धातु ललिते तांडविते शिखी सतालम। अंधेरा होने कारण दिख नहीं रहा है इसलिए कहीं कहीं अशुद्ध बुला जा रहा है। कविता मुरली सखस्य विष्णो कविता मुरली सखस्य विष्णु कर लग्नम नवनीत पिंड युग्नम। क्या भाव है, ऐसा बड़ा वैष्णव आचार्य द्विवेदी शैव भी हैं वैष्णव भी हैं और जिस शिव की पूजा करते हैं वो वे स्फटिकेश्वर इनके गुरु से प्राप्त हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। कभी भी खुशामद के लिए गलत बात नहीं बोलते। एक बार इन्होंने अपने मुंह से सुनाया कि जब हमारे गुरुजी यानी पंडित महादेव शास्त्री जी चतुर्थाश्रम में संन्यासाश्रम में जाने लगे तो और लोगों ने उनकी किताबें ली, उनका क्या क्या कुछ लिया उधर, उन्होंने
स्फटिकेश्वर महादेव जो आज भी उनके घर में हैं, उनको लिया। इतनी सूक्ष्म दृष्टि, और ये शैव हैं, और शैव के साथ साथ वैष्णव भी हैं। ये कहते हैं कि भगवान जो कृष्ण हैं, उनके हथेलियों में लगा हुआ नवनीत पिंड है कविता। आह क्या बात! और जिसको स्वीकार करने के लिए अखंड ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी कृष्ण ने चोरी तक की, वो है कविता। कविता मुरली सखस्य विष्णु कर लग्नम नवनीत पिंड युग्मम भुवन त्रय पाल गोपी वरया मास विभूष चौर लीलाम। कविता नयनम शिवे तृतीयम कविता वक्षसि कौस्तुभो मुरारे कविता परितो विसंचरिष्णौ पवमाने मधुसौरभस्य योगः। इन पद्यों को पढ़ने से आचार्य श्री की हार्दिक भावना का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कार्यम निदानाधि गुणानधीते, कवि का भाव जितना पवित्र, जितना उज्जवल, जितना महान होगा, वही भाव शब्द गुम्फ के रूप में अपना सृजन करती हुई कवि के मुख से निर्गत होकर कविता का रूप धारण करती है। निषेध व्यतिरेक में लिखते हैं, कविता न बुभुक्षितस्य पेया न बलिवर्द कुले कटंगरम सा कविता परितृप्तिमा गतानाम मुख पद में निभृता तुनागवल्ली। जीव को उपार्जन का साधन कविता नहीं हो सकती। कविता अन्य लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं होती, ये तो हृदय भाव है, और ये स्वतः स्फूर्त, स्वतः निःसृत है। कवि का हृदय ही होता है, उसकी भावना ही होती है। कविता तपसाम तपोधनानाम परिपाकः खलु कोऽपि मंगलात्मा मुखरी कृतभूत सामरस्यम कविता स्वस्त्ययनम चराचरस्य। संपूर्ण जगत के मंगल के रूप में कविता को स्थान देते हैं आचार्य श्री। इस तरह बहुत बातें हैं, और इतना ही कहकर जो कुछ हमसे बन पड़ा, मैं अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मूड था बहुत कुछ कहने का, आधा घंटा तो गड़बड़ा गया, तो थोड़ा खिन्न हो गया मैं। नशु कह कविता न पंजरोस्य प्रतिशब्दो पितयोर्न काव्य बंध हा ननु विस्मृताभिधाव्य पशवो धिक् पुरुषान् प्रशिक्षयन्ते शिवयोर् दुहिता। कविता क्या है? शिवयोर् दुहिता तयोर् हि नित्यं विलसंती सततं हि नर्म गर्भा प्रलये प्रलया प्रसाद सौम्या कविते त्वं ननु नर्मदा नमस्ते। मैं भी अपने गुरु जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विराम लेता हूं, और वे तो आज भी मेरे साथ हैं, और जो कुछ भी मैं बोल पाया हूं सब उन्हीं का है, मेरा तो कुछ नहीं। मैं एक मंदभाग्य और अल्पज्ञ व्यक्ति हूं। जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से कहा उसे मेरी भावनात्मक गीति समझकर हमारे गुरुदेव उसे स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको प्रणाम करता हूं।
बताया करती हूँ।